आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डे इन माइनक्राफ्ट हार्ड को, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है कि हम सर्वाइव करने वाले हैं स्नोलैंड में। स्नोलैंड में कैसा होता है वो तो आपको पता है। उससे पहले तो माइनक्राफ्ट का नॉर्मल रूल ये है कि हमको सबसे पहले वुड के टूल्स चाहिए होगी, तो सबसे पहले मैंने वुड के टूल्स बनाने के लिए मुझे थोड़े बहुत वुड मैंने कलेक्ट किए। उतनी देर में मैंने आसपास देखा तो एक पोलर बियर मेरे पर अचानक से पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझको मारने आ गया था, लेकिन मैं अंदर ट्री में फंस गया था लीव्स के बीच में। इसके लिए मैं बच गया और मैं दूसरी तरफ गया, उसमें से मैंने वुड लिया और उनमें से मैंने बना लिया क्राफ्टिंग टेबल, और पोलर बियर तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर मैंने अपने थोड़े बहुत प्लैंक्स बनाए और प्लैंक से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना दिया, और फिर उसमें से थोड़ी बहुत स्टिक बना दी क्राफ्टिंग टेबल को लगा के। उसमें से हमको जो नॉर्मल टूल्स होते हैं वो मैंने स्वॉर्ड, पिकेक्स और एक्स बना ली थी, क्योंकि एक्स की ज़रूरत हमको काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी। और उसके बाद मुझे नीचे की तरफ स्टोन मिल गए थे, इसके लिए मैंने सबसे पहले स्टोन कलेक्ट किए, जितने भी हो सकते थे उतने ज़्यादा से ज़्यादा किए, क्योंकि मुझे ये स्नोलैंड में एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और उनमें से मुझे पॉपचॉप भी मिल रहा था। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी एक फर्नेस की, इसके लिए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्टोन कलेक्ट करके ले जाने पड़े, और टूल्स को अपग्रेड भी करना था, और मैंने कर भी लिया। थोड़े बहुत तीन टूल्स को मैंने अपग्रेड किया, फिर आगे चलता गया और आगे फिर मैंने देखा तो ऊपर की तरफ से पोलर बियर आया और सीधा मेरे पे भड़क गया, और पता नहीं मैंने उसको मारा भी नहीं लेकिन वो मुझको मारने लगा। इसके लिए मुझे नर को मारना पड़ा और उसके साथ साथ उसको बच्चे को भी मारना पड़ा। डे 5 to 10 मैंने सबसे पहला मेरा टारगेट था कि थोड़ा बहुत फूड ले लूं, इसके लिए मैंने फूड के लिए एनिमल्स ढूंढने शुरू किए, और इधर बेरी भी काफ़ी ज़्यादा थी इसके लिए वो भी मैंने ले ली थी थोड़ी बहुत। और दूर से मुझे पिक दिख गए थे और उस पिक को मैंने मारा, उसमें से पॉप चॉप ले लिया और काव को भी मारा, और थोड़ी बहुत चिकन भी आसपास स्पॉन हो गई थी और उनको भी मार के मैंने थोड़ा बहुत चिकन कलेक्ट कर लिया। और फिर मैंने आसपास देखा तो फिर एक भी एनिमल नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि अब तो वैसे भी नाइट होने ही वाली, इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना थोड़ा छोटा सा घर बना दिया वुड प्लैंक से, और थोड़े बहुत उसको छोटा सा ही लेकिन थोड़ा अलग सा लुक देने के लिए उनमें थोड़ी वो स्टेयर की डेकोरेशन की। इस तरह से पहले मैंने इधर डट लगाया गया और छोटा सा अपना प्यारा सा रूम बना दिया। इतनी देर में मुझे दूर से एक शिप दिखाई दी और शिप में से मुझे एक वूल मिल गया था, और फिर मैंने आसपास ढूंढा तो मुझे एक भी शिप नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे वैसे भी थोड़ा बहुत प्लैंक्स की ज़रूरत थी इसके लिए वुड ले लिया। और फिर मैंने आगे का काम कंटिन्यू किया, और पहले से मैंने ऊपर का प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करा, और वैसे भी रात होने ही वाली थी इसके लिए मैंने उधर कैंप फायर भी लगा ही दिया था। अपना जो जो सामान था ना जो हमको सर्वाइव के लिए चाहिए होगा वो मैंने ले लिया, और नीचे का मैंने स्टेज भी बंद किया क्योंकि हार्ड कोर है और नाइट में वैसे भी हमको ज़ॉम्बीज से बच के रहना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ आर्मर भी नहीं, इसके लिए मुझे आराम आराम से काम करना पड़ा था, और कैंप फायर लगा दिया, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी क्योंकि लाइटिंग हो गई थी हमारे आसपास। और फिर मैंने जिसके लिए स्टोन ज़्यादा कलेक्ट किया था वो भी मैंने बना दिया, और फिर मैंने उसके साथ ही साथ मैंने अपना फर्नेस बना दिया। और फर्नेस में मेरे पास कोल तो था नहीं इसके लिए मैंने उसमें स्टिक लगा दी और एक पॉप चॉप था उसको भी रख दिया, और इसी के साथ हमारा बेसिक काम था वो तो सब हो चुका था, नाइट ही हमको सर्वाइव करना था। फिर डे 10 to 15 और फिर मैं निकल पड़ा माइनिंग के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को तो पता होगा कि माइनक्राफ्ट 1.18 में कि माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा एक टास्क हो गया था, कठिन टास्क, और इतनी ही देर में मुझे लेकिन मैं कितना नीचे आ गया था लेकिन -4 लेवल में आ चुका था लेकिन अभी तक मुझे आयरन मिला ही नहीं था। उतनी देर में मुझे देखा, मैंने नीचे थोड़ी और माइनिंग की, तब मुझे पता चला कि इधर आगे की तरफ ही अपना आयरन है। फिर मैंने आयरन को अपने फर्नेस में लगा दिया, 2 आयरन इंगेट भी मिल गए थे, 4 आयरन इंगेट मिल गए थे, उनको मैंने क्राफ्टिंग टेबल में से सबसे पहला अपना पिकेक्स बना ली थी क्योंकि पिकेक्स की ज़रूरत हमको काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी। मुझे पता है कि हमको कभी भी डायमंड मिल सकता है, इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी पिकेक्स बना ली, और अब अपने पास पिकेक्स आ जाने के साथ मैं अब रेडी हो चुका था ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करने के लिए। तो मैं निकल पड़ा अपने आगे की तरफ, थोड़ी देर में मुझे गोल्ड इंगेट मिले और गोल्ड इंगेट को मैंने ले लिए, और जितने हो सकते थे उतने तो ज़्यादा से ज़्यादा ही मिले थे, हो सकते थे उतने में ज़्यादा ले लिया, उसको भी लेके मैं आगे की तरफ चल पड़ा।
और इतनी देर में मैंने देखा तो आगे की तरफ -16 में मुझे डायमंड मिले और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इतनी ही देर में इतनी जल्दी हमको डायमंड कैसे मिल गए। और मैंने जल्दी से जल्दी अपना सब सामान निकाला, मतलब अपनी पिकेक्स निकाली और अपने सारे के सारे डायमंड ले लिए। और फिर मैंने अपनी जब इन्वेंटरी चेक की तो मुझे पता चला कि मेरे को 11 डायमंड मिले। तब मुझे सोच में पड़ गया कि अब मैं बनाऊँ तो क्या आर्मर बनाऊँ या उसके सारे के सारे टूल्स बना दूँ। इसलिए सबसे पहले तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाला, क्राफ्टिंग टेबल को लगा के उसमें से अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं बना के क्या बनाऊँ, अपनी स्वॉर्ड बनाऊँ या अपनी एक्स बनाऊँ। और साइड में मैंने अपना फर्नेस निकाल दिया, उसमें मैंने अपने आयरन गोल्ड के इंगट डाल दिए और अब तो अपने पास गोल हो ही चुका था वैसे भी। बस फिर मैंने सोचा कि अब सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड ही हमारा सबसे मेन टूल है। इसके लिए मैंने सोचा कि अब स्वॉर्ड ही बना देता हूँ, क्योंकि पिकेक्स तो हमारे पास आयन की है ही। और फिर मैंने ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि सबसे पहले मैं अपना डायमंड का चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि अपने सबसे पहली और मेन चीज़ है वो है अपना आर्मर। और आर्मर में सबसे ज़्यादा हमको प्रोटेक्शन देता है वो है अपना चेस्ट प्लेट। और इतनी देर में मैंने देखा तो अपना गोल्ड के इंगट भी मिल गए थे हमको। ने आखिर में तो अपना चेस्ट प्लेट ही बना लिए और फिर हमारे 3 डायमंड बच गए थे। और 3 डायमंड में से मैंने अपनी स्वॉर्ड बना ली। और इसी की तरह अपना थोड़ा नॉर्मल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर आ गया था, अपनी स्वॉर्ड आ गई थी और थोड़ा बहुत आयन बचने के बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना हम अपने बूट्स बना ही ले, क्योंकि वैसे भी हमको आगे जाके हमको बूट्स की तो यूज़ होने बूट की ज़रूरत होने ही थी। और इतनी देर में मैंने आगे की तरफ माइनिंग की 2-3 ब्लॉक तोड़ने के बाद ही मुझे आसपास में से मॉब्स की आवाज़ आने लगी थी, तो मैंने आगे की तरफ उस साइड में मैंने माइनिंग करना शुरू किया। तो इतनी देर में मुझे पता चला कि इधर तो साफ मुझे उधर कुछ ना कुछ लिखा, और मैंने देखा तो ये देखो मुझे क्या मिला। नहीं, ये क्या मजाक हो रहा है, यही सवाल मेरे मन में से निकला, ये क्या मजाक हो रहा है कि सबसे पहले तो मुझे डायमंड मिल गए, टेस्ट प्लेट में भी मुझको काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिल गया था। इसके लिए सर्वाइव करना तो हमारे लिए आसान हो गया था हार्डकोर में, और इतना कुछ मुश्किल आया भी नहीं था हमारी ये वाली जर्नी में। टेस्ट का जो भी कि माइंड कार्ट में जो भी सामान था वो मैंने आगे की तरफ ले लिया। और आगे बढ़ते मुझे देखा तो मुझे आगे बढ़ा तो मुझे एक दिखा गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल को मैं लेके आगे की तरफ गया और इतने दूसरा डायमंड मिला। वो डायमंड को मैं लेने के लिए सबसे पहले मैंने आगे और पीछे का रास्ता रोका, क्योंकि आगे पीछे से मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉब्स की आवाज़ आ रही थी। इसके लिए वो दोनों के दोनों रास्ते बंद कर दिए। फिर मैंने अपने डायमंड निकालने शुरू किए और फिर मैंने देखा तो ये तो सिर्फ एक ही 2 डायमंड मिले थे हमको। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, ये हमारे साफ मजाक हुआ, लेकिन मुझे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 2 तो 2 लेकिन बूंद। डायमंड लेने के बाद मैं आगे की तरफ चला, आगे की तरफ मैं जैसे ही आया और मैंने देखा तो एक मॉब्स मेरे पे दावा बोल के मुझको मारने लगा, लेकिन उसका भी पाला मीट से पड़ा तो इसके लिए मैंने उसको आराम से मार दिया। और फिर अब मुझको संभाल के चलना होगा, क्योंकि अब आ गए थे सारे के सारे मॉब्स, और मॉब्स से लड़ना आपको तो पता है, वो भी मिनी वाले मॉब्स। और जैसे ही मैंने छोटा मॉब्स का मैंने नेम लिया, उतनी देर में एक भागता हुआ छोटा मॉब्स आया और मुझको मार गया। इसी तरह ये तो पूरी की पूरी सर्वाइवल सीरीज मेरी फेल हो चुकी थी, लेकिन इस वाले 100 लाइक्स होते हैं तो मैं ये वाली सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। और इतने ही नहीं, हम दूसरे भी आइसलैंड में, मतलब दूसरे भी लैंड में हम सर्वाइव करेंगे। मेहनत करने वाले करते हैं हुकूमत, 4 पैसे क्या कमाए साले झूल मत, चाटे कितने खाए बचपन में भूल मत, मुझे देख के सलाम कर दूर मत।